उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देहरादून रोड स्थित छात्रावास में भीम आर्मी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत सिंह नोटियाल ने कहा कि भीम आर्मी हमेशा की तरह भाईचारे का पैगाम लेकर जाएगी और अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। वहीं भीम आर्मी द्वारा 25 दिसंबर को एक गरीब परिवार की लड़की की शादी कराई जाएगी, जिसकी शादी का पूरा खर्च भीम आर्मी परिवार उठाएगा। शादी समारोह का आयोजन रामपुर मनिहारन में किया जाएगा। मंजीत सिंह नोटियाल, इसका समन्वित मेलबंध हो, इसका ये उद्देश्य है कि जो लोग भीम आर्मी की विचारधाराओं को गलत समझ रहे हैं, हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हम लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक गरीब व्यक्ति को और मजदूर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिलाने के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोगों ने पूरे जिला सहारनपुर के अंदर ही नहीं, प्रत्येक जिले में हम लोगों ने पाठशालाएँ चलाई हुई हैं और उनमें केवल हमारे जो देश के महापुरुष हैं उनके बारे में बताया जाता है, और जो व्यक्ति ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, जो व्यक्ति पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको भीम आर्मी भारत एकता मिशन शिक्षा ग्रहण कराने के लिए काम करती है। और पूरे देश के अंदर हम लोग एक भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, किसी संगठन से नहीं है, और नहीं हमें हमारा किसी से मुकाबला है, परंतु दलितों का जो सिंहासन भीम आर्मी ने जो स्थापित किया है हम इसे गिरने नहीं देंगे और निश्चित रूप से हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और भाईचारे का एक पैगाम लेकर पूरे देश के अंदर जाएंगे।